आपको पता ही है कि हम पहुंचे हुए हैं राजस्थान हनुमानगढ़ के अंदर, जो एक सुधाम भाई साहब के पास, जो एक बहुत ही अच्छा फार्म सेटअप चलाते हैं, जिन्होंने देसी बकरियों से बिट्टल बकरियों का फार्म बढ़िया तरीके से चलाया है। और करीबन करीबन सुधाम भाई साहब सालाना जो 5 से 7 लाख रुपए की कमाई भी कर रहे हैं बकरी पालन से। और सुधाम भाई साहब का खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जिसको आप चेक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे भी सुदाम भाई साहब बकरियों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। और आज हम सुदाम भाई साहब से इस वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे कि सर्दी के अंदर बकरियों को क्या क्या फीड खिलाएं जिससे उनको सर्दी से बचाया जा सके। नमस्कार सुदाम भाई साहब। नमस्कार। सुदाम भाई साहब, जैसे कि सर्दी का मौसम चल रहा है और उत्तरी भारत के अंदर बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है फिलहाल, सर्दी के अंदर आप इनको बकरियों को क्या फीड खिलाते हैं? सर्दी के अंदर फीड खिलाने से बेस्ट चीज है कि अपने उसको देख रेख कैसे कर रहे हैं। फीड तो वो अपनी अलग की बात रहेगी, फीड के बारे में बताएंगे। सबसे चीज है कि अपने फीड अच्छी खिला रहे हैं। अपने फीड है जी जो प्रोटीन के, प्रोटीन, और जैसे अपने कई भाई सर्दी में गेहूं खिलाते हैं, गेहूं कभी नहीं खिलानी चाहिए। आप उससे बेस्ट चीज है हरी पत्ती, उसमें से खेजड़ी की पत्ती की पत्ती है, उसमें उससे ज्यादा प्रोटीन भी ज्यादा है, उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है वो। गेहूं क्यों नहीं खिलानी चाहिए, इसका मेन रीजन यही है कि कभी कभार जैसे सर्दी ज्यादा पड़ रही है तो जानवर उगाली करने में दिक्कत आ रही है, या हल्की सी ठंड हो गई, जैसे वे उगाली करनी बंद करेगा तो उसकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि जो गेहूं ऐसी चीज है, अगर अपने जानवर आसानी से उगाली नहीं कर पाता तो उसकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और हो सके मतलब उसकी जुगाड़ी नहीं करेगा तो वो गेहूं है उसके शरीर को पेट में, लगेगी। जैसे वो पानी पीने उसकी इच्छा होगी मैं पानी पीऊँ, पानी जैसे ज्यादा वो अंदर में पेट में फूलती जाएगी, तो हो सकता है कि टाइमिंग पे ट्रीटमेंट ना हो तो उसकी ज्यादा डेथ भी मात्रा हो में सकती है। गेहूं ना खिलाएं दोस्तों, सर्दी में खिलाएं भी ना, सर्दी में खिलानी भी नहीं नहीं है। खिलानी चाहिए। दोस्तों सर्दी के अंदर गेहूं आप ना खिलाएं तो बेटर है बकरियों को, इससे की बजाय बाजरा खिला सकते हैं भाई। आप थोड़ा जो मक्की है उसका जो कटिंग की होती है वो खिला सकते हैं, अपने जो चना चूरी है वो खिला सकते हैं, जो एकदम हल्की हो। ऐसा नहीं कि जितना चाहे आप खिला रहे हो सर्दी में, सर्दी में इस चीज का 2 महीने परहेज करना चाहिए। अच्छा, चना चूरी भी अपने हाँ, खिला सकते हैं उसके बकरियों बाद को। जैसे जो हरी पत्ती और ग्वार का भूसा है, अपने राजस्थान में, उत्तरी भारत में आपको जितना चाहे उतना मिल जाएगा। ठीक है तो सर। ये होता है जी गर्म चीज है सर्दी में, और ये चीज जानवर को बेनिफिट भी करेगी, और किसी टाइम जानवर को ठंड भी लगती है तो जानवर की हेल्थ के लिए कोई बुरी चीज नहीं है ये। सुदाम भाई साहब थोड़ा एक बार और बता और दीजिए सर्दी में कि एक चीज यही है कि आप जानवर को जैसे पानी पिला रहे हो तो पानी सर्दी में कम से कम, जैसे अभी अपने फीड आ रहे हैं, अपनी अपना टाइमिंग है 3:30-4 का, तो ठीक है आ सर। थोड़ा अपने लेट हो जाएंगे, कम से कम 4 बजे के बाद सर्दी में आप कभी जानवर को पानी नहीं पिलाना चाहिए, 4 बजे के बाद पानी ना ना पिलाएं, और नहीं सुबह 10 से पहले ना दस से पिलाएं। पहले कम से कम 10-11 बजे पानी पिलाएं, वो भी उसमें गर्म पानी का यूज करें। सुदाम भाई साहब आपका पास इतना अच्छा कलेक्शन है, और कोई जानवर भाई साहब वो बाई चांस किसी को पसंद आ जाए, आप इनमें से कोई जानवर दे दें क्या? बिल्कुल दे देंगे जी, अगर कोई भाई ब्रीडिंग सेटअप या शौक करना चाहता है तो उनको जानवर दे दोस्तों अगर देंगे। किसी भाई को जानवर इनमें से कोई पसंद आ जाए तो सुदाम भाई को व्हाट्सएप नंबर मैं फ्लैश कर रहा हूँ, इन पे स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ऑल इंडिया भाई साहब ट्रांसपोर्ट भी करवा देंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भाई साहब से ये लेते हैं कि दाना सुदाम भाई बकरियों को कौन कौन सा दे सर्दी के अंदर, किस टाइम दे दाना? सर्दी के अंदर दाना देने का जो दाना मिश्रण है वो देने का टाइम क्या होना चाहिए? टाइम जी सर्दी के अंदर आप शाम को दें, शाम क्योंकि को हाँ सर्दी के अंदर, क्योंकि सर्दी के अंदर सुबह कम से कम सर्दी पड़ती है, तो अपने मान के चलो कम से कम अगर यादी सर्दी है, यादी ओस है, धुंध है, तो आप 10 बजे से पहले तो अपने उनको बाहर नहीं करेंगे, बारी नहीं नहीं डाल करेंगे। दस तो बजे से उसका रीजन पहले। है, अगर 10 बजे आपने उसको दाना खिला रहे हैं तो फिर उसको 3-4 बजे शाम को दोबारा खिलाना पड़ेगा। अच्छा तो रीजन यही है कि आप उसको रात को शाम को खिलाओ, शाम को क्यों, उसको कम से कम 12 से 13 घंटे मिलते हैं, 15 घंटे तक भी मिल जाते हैं उसको उगाली करने के लिए, तो फिर वो आसानी से वो जो उसका खाया हुआ अनाज है वो उसको उगाली करके एकदम जानवर फ्रेश हो जाता है जी। ठीक है सुदाम शाम भाई को साहब, मान जानवर लीजिए कि जो शाम को अगर आप इनको दाना मिश्रण देंगे तो एक तो बकरियां जुगाली करे तो उनको वो सर्दी से भी अपने आप को बचाएगी, बचाती हैं, उसमें क्या है वो जुगाली करेगी, मेहनत करेगी, तो अपने पे रख लो, शरीर गर्म सर्दी हो में जाता काम करेंगे तो अपने को क्या है सर्दी नहीं महसूस होगी, एक जगह बैठे रहेंगे है। सुस्त तो लगेंगे, तो अपने को सर्दी महसूस होगी जी, हाँ दिन में 4 दाना खिला देंगे तो वो मींगनी के अंदर वैसे का वैसे निकाल वैसे का देंगे, वैसा पूरा निकाले पूरा पचा उसको। नहीं उसके पाएंगे। पास टाइमिंग ही नहीं ना, दिन को खिला देंगे, शाम को 3 बजे 4 बजे दोबारा खाना है, तो एक तो उसका पेट भरा रहेगा और कम खाएगी, वही उसको रात में भूख लगेगी, फिर वो रात को उगाली नहीं करेगी, उसको ठंड लगेगी। ठीक है सुदाम भाई साहब,
टाइमिंग भी होनी चाहिए ना थोड़ा उसको पचाने के लिए। सुदाम भाई ग्वार का भूसा भी आप इनको देते हैं? बिल्कुल जी, मैं कम से कम 70% ग्वार का भूसा यूज करता हूँ। हाँ, और उसके बाद बिल्कुल अच्छा रिजल्ट है, सर्दी में गर्म रहता है ये। आप गर्मी में ना खिलाएं पर सर्दी में 3 से 2 महीने जरूर इस चीज को यूज करें आप। ग्वार के भूसा सीजनल होता है साथियों, ग्वार का भूसा सर्दी के, क्योंकि कई भाई ऐसे होते हैं जो अपनी जो अपने एरिया में जो जवी होती है, जो होती है हरी, ये होती है ना जो घास वगैरह खिलाते हैं, कम से कम अपने जैसे मान के चले। ये चीज नहीं खिलानी चाहिए क्योंकि हरी चीज है जो सर्दी में, सर्दी में ये जो हरे हरी कोई भी फसल है जैसे ये गेहूं है, कच्चा जवी वगैरह है, तो इसका काम क्या है, शरीर में पानी की पूर्ति करने। तो सर्दी में इनको कौन सी पानी की जरूरत पड़ रही है? आपने कितनी बार पानी पिया सर्दी में? मैंने भी नहीं पिया। तो अपने इनको हरा घास खिलाएंगे तो इनको लूज मोशन हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, इनकी हेल्थ के लिए वो बुरा है। हाँ, अगर यूज करते हो तो आप मामूली सा कर सकते हो, जो इनको थोड़ा खा के फ्रेश होके बैठ जाए, ज्यादा आप यूज कभी मत कीजिए। गरम इनको पिलाएं सर, गरम पानी पिलाएं। अगर किसी भाई के पास छोटे बच्ची हैं फार्म पे या फीमेल पे, कोई नया फार्म कर रहा है तो उसको उतना नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, वैक्सीन नहीं कर सकते, तो ऐसी पाउडर आते हैं बुखार के लिए, पेट की हेल्थ के लिए, जो आप पानी में मिक्स करके दे सकते हो, गर्म पानी में पी सकते हैं, आपके जानवर को कभी बुखार नहीं होगा, ना आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है सुदाम भाई साहब, ये चीज़ है। मान लीजिए दोस्तों, सुदाम भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि सर्दियों के अंदर हम अपनी बकरियों का किस तरह से। हाँ, और एक चीज और है, आप फार्म में जब जहाँ पे रात को फार्म रोके जानवर आप अंदर करेंगे, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने आज रात अंदर कर दिए, कल उसकी सफाई नहीं की आपने, फिर अगली रात फिर आप अंदर कर रहे हो। जानवर में गीलापन नहीं होना चाहिए, सूखापन होना चाहिए, जानवर भी सूखा। हाँ, मैं आपको एक चीज देता दिखाता चलूं मेरे फार्म में। अभी ये देख लो, ये जो रेतली मिट्टी पड़ी है, रेतली मिट्टी, हाँ, और अपना जो अंदर रात को करेंगे जानवर, ये आप देखते चले, ये एकदम साफ पड़ा है, क्लियर एकदम साफ पड़ा है। और ये देखो यहाँ पे जो मेरे 8-10 छोटे बच्चे हैं, इसमें कर दूंगा, वो जो पूरी मिट्टी पड़ी है मैं इसके अंदर 8-10 घेर के एकदम सूखी कर दूंगा। अभी भी देख सकते हो ये सूखी है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इसमें मिट्टी और गिरूंगा, कल इसी को मैं दोबारा निकाल दूंगा, फिर नई मिट्टी इसमें। इसमें क्या है, जानवर के जो खुर है, खुरों में दिक्कत नहीं आती, जानवर भीगता नहीं है, जानवर भीगेगा नहीं तो उसके हेल्थ में बुखार वगैरह, जानवर के खुर खराब हो जाते हैं। हाँ, एसिडिटी होने का भी ज्यादा खतरा है, ज्यादा खतरा रहता है। और सर्दी में ऐसा क्या है कि जानवर बाहर खुले में तो अपने छोड़ते नहीं है जी भाई, उसके खुरों में दिक्कत ज्यादातर सर्दी में इसीलिए ही आती है जी। साफ फार्म का मैं नहीं होना दिए। और रीजन क्या है कि फार्म में अगर आप खिलाई पिलाई पे थोड़ा कम ध्यान देके, अगर जानवर में आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो आपका फार्म जरूर सक्सेसफुल होगा जी। मतलब साफ सफाई का, साफ सफाई जरूरी है जी, पूरा का पूरा आपको ध्यान देना है। सुदाम भाई साहब, बहुत अच्छा आपके पास कलेक्शन है, और जो जो जानवर सेल के लिए एक बार हमें दिखाइएगा। अभी इसी के साथ एक नेक्स्ट पार्ट देंगे जिसमें भाई साहब जो जो जानवर सेल के लिए उस वीडियो में बिल्कुल प्रॉपरली दिखाएंगे आपको। ओके साथियों, धन्यवाद, वीडियो को यहीं एंड करेंगे।